हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज डेट है 3 जुलाई, दिन है वेडनेसडे। सुबह के 10:30 बज चुके हैं, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। सुबह के काम लगभग मैंने सारे फिनिश कर लिए हैं, और दोपहर में बच्चों की फरमाइश है कि उन्हें दाल वाली खिचड़ी खानी है। वो काली दाल की खिचड़ी होती है ना, जो हम काली दाल की खिचड़ी चावल में डाल के बना लेते हैं। हम उसे छौकर भी बना लेते हैं, सादा भी बना लेते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना लेते हैं। लेकिन कभी मन करता है सादा खाने का, कभी मन करता है छौकर खाने का, तो आज तो मैं सादा ही बनाऊंगी। हस्बैंड भी सादा बोल कर गए हैं कि बस ऐसे ही सादा बना लेना, बच्चे भी सादा बोल कर गए हैं। आज मेरे बच्चे चटनी के लिए बोल कर गए हैं कि मम्मी लाल वाली चटनी बनाना। मेरे बच्चों को दाल की खिचड़ी के साथ लाल वाली चटनी बहुत पसंद है। तो अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो खा सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को तो लाल वाली चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, और मुझे भी अच्छी लगती है। वो हम माओं का क्या है ना, जो हमारे बच्चों को अच्छा लगता है, हमारे हस्बैंड को अच्छा लगता है, फिर वो ही हम अपनी पसंद बना लेते हैं, तो वो ही हमें अच्छा लगता है। हम लेडीज तो अपने हस्बैंड और बच्चों के बारे में सोचते हैं, जो हमारे बच्चों को अच्छा लगता है, हस्बैंड को अच्छा लगता है, वही हमें अच्छा लगने लगता है। क्योंकि फिर हम ज्यादातर, हम में से बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं, वो अपने लिए नहीं कुछ करती हैं, नहीं कुछ बनाती हैं, जो हस्बैंड के लिए बनाया या बच्चों के लिए बनाया वही कुछ खा लिया। अपने लिए अलग से तो ज्यादातर मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर कोई लेडीज बना सकती है, लेकिन मैं तो नहीं बनाती हूँ। मुझे तो जो हस्बैंड या बच्चे खाते हैं वही मैं खा लेती हूँ। मैं इस बात मैं बहुत आलसी हूँ, बच्चे जो कहेंगे वो बना दूंगी, हस्बैंड जो कहेंगे वो बना दूंगी, लेकिन अपने लिए अगर मन करेगा भी या भूख भी लगेगी तो मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ। अकेले से बच्चों के बहाने हैं या हस्बैंड के बहाने हम लोग बना लेते हैं। और आज मैं अपना ये शोकेस साफ करने का सोच रही थी, मेरे बेटे ने उस दिन इसको गंदा कर दिया था। वैसे भी थोड़ी सी डस्ट हो रही है इसमें, उस दिन बेटे ने भी इसको गंदा कर दिया था, और थोड़ी सी डस्ट भी हो रही है इसमें। तो मैंने कहा सारा सामान सेट कर दूंगी, और फिर मैं ये सोच रही थी कि इसमें से ये जो गमले वगैरह हैं इनको हटाकर मैं दूसरे गमले लगाने का सोच रही हूँ। मेरी आदत है, रूम में मैं थोड़ा थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ, तो खुद को भी अच्छा लगता है और अच्छा सा महसूस होता है। अगर हम थोड़ी थोड़ी सी चीजें बदल बदल के करते रहते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे बच्चों की तो आज दाल की खिचड़ी की फरमाइश है, तो मैं दाल की खिचड़ी की तैयारी करती हूँ। वैसे तैयारी क्या करना है, वो खिचड़ी तो बहुत जल्दी बन जाती है, बस जो टाइम लगना है चटनी में लगना है, चावल साफ करना है थोड़े से। और तो आज का मेरा लंच तो बहुत ही सादा सिंपल सा है, जरा सी देर में बन जाएगा। बस बच्चे आएंगे, उसे थोड़ी देर पहले बनने रख दूंगी। बच्चे चले जाते हैं तो सच में बिल्कुल मन नहीं लगता है। इस टाइम कुछ गर्मी ज्यादा हो रही है, तो मेरे बच्चे 12 बजे तक उनकी छुट्टी हो जाती है और 12:15 तक घर पर आ जाते हैं। और जब थोड़ा मौसम ठीक रहता है तो उनकी छुट्टी तो 2:30 बजे होती है। अब इस टाइम गर्मी की वजह से छुट्टी 12 बजे हो रही है। अब गर्मी तो है, लेकिन बच्चों के स्कूल भी कब तक बंद रहेंगे? स्कूल तो खुलेंगे, उन्हें पढ़ना तो है, अगर हम थोड़े दिन की छुट्टी और कर दें। और इस बार तो बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, बारिश तो हो नहीं रही है। कल भी सुबह में यहाँ पर बादल थे, आज भी सुबह में बादल थे, और अब भी थोड़े से बादल हैं, लेकिन वो हवा चलती है, बादल उड़ जाते हैं, बारिश हो नहीं रही है। बहुत दिन हो गया, और गर्मी तो इतनी है, बस कुछ पूछो मत। किचन में जाती हैं, पूरा पसीने से नहा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं दाल की खिचड़ी की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। मुझे चावल भी साफ करने हैं, दाल भी साफ करनी है, और फिर मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। आप लोग कहीं जाइएगा तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स, दाल चावल मेरे साफ हो चुके हैं, अब बस मैं थोड़ी देर में खिचड़ी बनाती हूँ। 11:30 बजे खिचड़ी बना लूंगी। जब बच्चे 12 बजे तक आ जाते हैं, 12:15 तक बच्चे आ जाते हैं,
12 तक मेरे बच्चे घर आ जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ गरम गरम ही बना दूंगी, क्योंकि गरम गरम खाने से थोड़ा सही रहता है बच्चों के लिए। ठंडा बच्चे आजकल खाना भी नहीं चाहते हैं, तो मैं तो बच्चों को गर्म ही बनाकर देती हूँ, क्योंकि उन्हें गर्म ही पसंद रहता है। गर्म गर्म थोड़ा सा सही से खा लेते हैं, ठंडा तो खाते हैं। एक तो बच्चे वैसे भी नहीं खाना चाहते हैं, और ठंडा देखकर तो वैसे भी नहीं खाते हैं। वैसे इस टाइम गर्मी हो रही है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कराने के बाद उन्हें खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, या मैं कहीं कुछ गलती कर रही हूँ, कुछ कमी कर रही हूँ, तो आप मुझे बताइए, मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी प्लीज़। लेकिन आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, तो मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगी। अगर गलत हूँ तो गलत बताइए, सही हूँ तो सही बताइए, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे अपना प्यार देना, तभी मैं आगे तक जा पाऊंगी। प्लीज़ आप मुझे अपना प्यार जरूर देना। तो मैं थोड़ी देर के बाद आपसे किचन में, तो फ्रेंड्स मेरा दूध आ चुका है, दूध मैंने बॉयल करने रख दिया है, और जब मेरा दूध बॉयल हो जाएगा तो पहले मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी, फिर कॉफ़ी पीने के बाद फिर खिचड़ी की, चटनी की, रायते की, सब चीज़ की तैयारी करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर किचन में चलते हैं, देखते हैं कुछ काम वगैरह, हम लेडीजों के लिए तो काम ही काम है, और क्या है। तो चलिए फिर। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ और अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। दूध को मैंने एक साइड में उबलने के लिए रख दिया था, दूध थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो मैंने एक कप दूध फ्राई पैन में कर लिया है कॉफ़ी बनाने के लिए। वैसे गर्मी में मैं चाय या कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, लेकिन आज कॉफ़ी का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कॉफ़ी बना लेती हूँ। मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी है और दूध को उबलने के लिए रख दिया है। दूध में जब हल्का सा उबाल आएगा तो चीनी मिक्स हो जाएगी, तो फिर मैं इसमें कॉफ़ी डालकर मिक्स कर दूंगी। मैंने इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डालकर चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दिया है, और कॉफ़ी डालकर थोड़े से खोल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कॉफ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको एक कप में कर लेती हूँ और फ्राई पैन को धोकर रख देती हूँ। मेरी आदत है, एक बर्तन हो दो बर्तन हो, मैं हाथ के हाथ धोती रहती हूँ, तो मेरे ज़्यादा बर्तन नहीं फैलते हैं और सिंक भी नहीं भरता है। फिर काम फैलाने से फ़ायदा क्या, करना तो हमको ही है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैं अभी जरा सी देर के लिए किचन में गई थी, और आप मेरी हालत देखिए, कितनी पसीने पसीने हो रही है, कितनी पसीने पसीने, इतना पसीना आ रहा है कि बस कुछ पूछो मत। अगर हम जरा सी देर के लिए भी किचन में जाते हैं ना, तो पूरे पसीने से नहा लेते हैं। रूम में रहते हैं तो फैन ऑन रहता है, तो हमें थोड़ी सी राहत रहती है कि मतलब सही रहता है, और जब हम किचन में जाते हैं तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है, तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है। लेकिन किचन में तो जाना पड़ेगा, भूख भी लगती है, हर चीज का मन करता है। गर्मी है तो क्या खाने पीने का मन नहीं करेगा, गर्मी है तो गर्मी में तो सबसे ज्यादा मन करता है कि ठंडा बना लो, ये बना लो, वो बना लो, तो वो सारा कुछ तो हमारे किचन में ही रहता है, तो हमें किचन में तो जाना ही पड़ेगा। किचन के बिना तो सट ही नहीं सकती है, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है, तो सब कुछ किचन में ही बनाना पड़ता है। और आज सुबह से इतने बादल थे, ऐसे लग रहा था कि चलो आज तो बारिश होगी, लेकिन अभी मैंने गेट खोलकर देखा तो सारे में धूप खिली हुई है, इधर उधर बादल हो गए सारे, और बस आज भी बारिश नहीं होना थी तो आज भी नहीं हुई। भगवान जी पता नहीं क्या चाह रहे हैं, पता नहीं कौन सा दिन उन्होंने ऐसा बना रखा है जिस दिन वो बारिश देंगे, और वो दिन बहुत खुशनसीब होगा जिस दिन बारिश होगी। लेकिन हम लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं, सुबह बादल हो जाते हैं, कल भी सुबह में बादल हो गए, मुझे खुशी हो रही थी कि आज बारिश होगी, आज सुबह बादल हो गए थे, बहुत गाढ़े गाढ़े बादल से थे, मैंने सोचा आज बारिश हो सकती है, लेकिन बस 4-5 बूंदे पड़ी और बस छुट्टी, बारिश बंद हो गई, उन्हें बारिश का शगुन जो होना था वो होकर चला गया, और हम लोग देखते रहे। हमने पूरे दिन, अभी तक थोड़ी देर पहले तक बादल थे तो लग रहा था बारिश होगी, लेकिन नहीं हुई। और फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते मेरी कॉफी भी ठंडी हो रही है, और मेरी कॉफी बनकर रेडी हो चुकी है, और मेरी कॉफी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कॉफी पीती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात। और कॉफी पीने का फिर हमें किचन में जाना है, खाने की तैयारी करनी है, लंच की तैयारी करनी है, बच्चे आ जाएंगे, हस्बैंड आ जाएंगे, तो फिर हमारा तो ज्यादातर समय ही किचन में बीतता है। हम लेडीजों की सभी की आदत है, ज्यादातर समय हमारा किचन में ही बीतता है, तो मतलब हमें जो एसी वगैरह है इसे हमें किचन में ही लगाना चाहिए। रूम में क्या है, रूम में तो फैंस से भी आराम है, लेकिन किचन में
तो जरूर होना चाहिए। लेडीजों का ज्यादा से ज्यादा वक्त किचन में ही गुजरता है, तो किचन में उन्हें बहुत ठंडक रहनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कॉफी पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कॉफी पीती हूँ और आप लोग भी पी लीजिए। यहाँ पर आ गई हूँ बच्चों की फरमाइश पर दाल की खिचड़ी बनाने के लिए। दाल चावल को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब मैं पानी डालकर अच्छे से इसे मसल मसल कर धो लूँगी। एक फ्राई पैन मैंने पानी भरने के लिए टोकरी में ही रख दिया है, क्योंकि पानी धीरे धीरे भरता है तो मेरे हाथ भी थक जाते हैं। मैंने दाल और चावल को अच्छे से 2-3 बार धो लिया है और अंदाजे के साथ पानी डालकर इसको गैस पर चढ़ा दिया है। नमक भी मैं ऐसे ही अंदाजे के साथ डालूंगी, क्योंकि चम्मच का मुझे कोई नाप नहीं है, तो मैं अंदाजे के साथ ही डाल दूंगी और थोड़ा सा देसी घी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये खिचड़ी हमारी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। चम्मच से अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ और ढक्कन लगाकर मैंने रख दिया है। 1-2 सीटी में ही बन जाती है और खाने में टेस्टी भी बहुत लगती है। और इधर मैं इधर काउंटर टॉप अपना साफ कर रही हूँ। बोतल भी मेरी खाली हो चुकी थी, तो मैंने सोचा बोतल को भी भरकर फ्रिज में रख देती हूँ। और इधर सारे काम करते करते मैंने ध्यान नहीं दिया और गैस मेरी तेज थी दूध की, और दूध मेरा निकल गया। तो मैं गैस को भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि अभी हम साफ़ कर देंगे तो जल्दी साफ़ हो जाएगी, फिर तो इस पर जम जाएगी तो टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा मैं हटाकर हाथ के हाथ ही साफ़ कर देती हूँ। दूध की आदत है, हम वैसे खड़े होकर देखते रहे तो दूध नहीं निकलेगा, और ज़रा सी देर के लिए हम हट जाएंगे तो दूध निकल जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो ऐसा लग रहा था कि अभी टाइम लगेगा, और इधर मेरा ध्यान हटा और दूध निकल गया। कुछ बर्तन हुए हैं तो मैं साथ ही साथ उन्हें भी साफ़ करके रख देती हूँ। फिर चटनी की और सैलड की तैयारी करूँगी। रायता भी बनाना है मुझे। वैसे तो दही के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी रायते का मन करता है। तो आज हस्बैंड ने कहा रायता बना लेना, तो मैंने सोचा चलो रायता बना लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी बनकर तो रेडी हो चुकी है। अब मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। चटनी को एक साइड में रखकर अब मैं रायते की तैयारी करती हूँ। रायते में भी छौंक ही लगाऊंगी, क्योंकि छौंक लगाने से अच्छा लगता है। दाल की खिचड़ी मैंने छौंक कर नहीं बनाई है, तो मैंने सोचा रायते को छौंक लेती हूँ। हींग जीरे से अच्छा टेस्ट आ जाता है। चमचे में छौंक लगाने के लिए मैंने रख दिया है, थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल मेरा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें हींग जीरा डाल दूंगी और छौंक लगा दूंगी। बस मेरा रायता भी तैयार हो चुका है। खिचड़ी तो बन गई मेरी, रेडी हो गई। अब बस ये थोड़ी सी तैयारी करती हूँ। बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, हस्बैंड आ जाएंगे, तो फिर गर्मा गर्म लंच करेंगे हम लोग। बस काला नमक डाल देती हूँ इसमें, थोड़ा सा रायता मसाला भी ऐड किया है मैंने, और खीरा मैंने सैलेड के लिए रख दिया है। इधर रायते में नमक मिक्स कर रही हूँ चम्मच से, और मैंने सोचा इधर की गैस भी साफ़ कर देती हूँ, टाइल्स वगैरह साफ़ कर देती हूँ। सारा काम निपटाते जाओ हाथ के हाथ, तो काम भी हो जाता है। मेरा सैलेड भी तैयार हो चुका है। खीरे के साथ मैं 2 प्याज भी ऐड कर रही हूँ सैलेड में। अच्छा लगता है प्याज भी खाने में। और खिचड़ी में तो मतलब सादा सी खिचड़ी है, तो कुछ पड़ा नहीं है, तो मैंने सोचा प्याज भी सैलेड में काट लेती हूँ तो अच्छा लगेगा। वैसे ज़्यादातर मैं खिचड़ी छौंक कर ही बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो आज ऐसे ही बना लेते हैं सादा तरीके से। बच्चों का भी सादा खाने का मन था और हस्बैंड का भी कि ऐसे ही सादा बना लेना, तो मैंने सोचा चलो सादा ही बना लेते हैं। और सैलेड भी मेरा रेडी हो चुका है। जो बर्तन हुए उन्हें हाथ के हाथ साफ करती जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, खिचड़ी हमारी तैयार हो चुकी है और आप लोग भी खा लीजिए।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं। मैं डिनर में गोभी की सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूं और सामने मेरा बेटा शैतानी कर रहा है। बेटी ट्यूशन पढ़ रही है और जब मैं गोभी काट रही थी तब मैंने देखा कि गोभी में बहुत सारे कीड़े हैं, तो मैंने गोभी बनाना कैंसिल किया और बैंगन का भरता बनाने का सोचा। पहले मैं तवे पर भून कर बनाना चाहती थी लेकिन टाइम ज़्यादा हो चुका था, तो मैंने कुकर में उबालने का सोचा क्योंकि कुकर में जल्दी उबल जाते हैं। बैंगन को काट कर अच्छे से पानी में साफ़ किया। मैं बैंगन को काट कर ही उबालती हूँ क्योंकि बैंगन भी अंदर से ख़राब हो सकते हैं। साफ़ करने के बाद मैंने कुकर में बैंगन रख दिए। बैंगन को साबुत भी मैंने पानी से साफ़ कर लिया था और काटने के बाद फिर दोबारा से लोटे में पानी करके धोकर अच्छे से रख दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबा होता जा रहा है और मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।